आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। जम्मू के इतिहास में पहली बार और लंबा समय 100 वर्ष का लग गया रामलीला का संवाद डोगरी में करने के लिए, और आज 53 क्षेत्र बिल्लू मंदिर में चल रही रामलीला में 100 वर्ष में पहली बार रामवध वो भी आप डोगरी में सुनेंगे, और रामलीला का पूरा संवाद जो है वो डोगरी में रहेगा। 100 वर्ष का समय सरस्वती ड्रामेटिक क्लब को लगा, यानी कि 1924 में पहली बार रामलीला का मंच सजाया गया था, और आज 100 वर्ष के बाद डोगरी में संवाद जो है रामलीला का किया जा रहा है। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। जाइए बंद राम कर है तू थकी के दाम है इसी आप तू प्रश्न सामिल जाता है इन्हें तू साफ पिता श्री बहुत अपने विधान के अनुसार इसके कुछ प्रतीक पर इसे बंदर मुक्त करिए बाद ये तेरा प्रयोग आप बंदी तू अपने पास मैं किशकिंधा के महाराज सुबीर का मंत्री अनुमान किशकिंधा के सारा मित्र बाली राज करता है करता हाँ श्री राम चंद्र जी ने असी सुंदर के जीवेगा तू तो नहीं आया श्री रामचंद्र जी का रूप बनी है। मैं आख्या इन्ना आनंद आया 1924 दी है शुरुआत हुई दी है ते 100 साल असें लगी हैं ए अपनी भाषा च असें गी इसी अंदे ते मेरा ख्याल एक आनंद आवा दा बड़ा मजा है बहुत अच्छा और सारे लोग इत्थे आन और आनंदित होन और अपने परिवार की भी ले आन। नहीं नहीं इत्थे मैं कोई आज कोई चौथी बार आया शायद और हमेशा औस फुल ही रहे थे और आज आखिरी दिन है तो अज रजत और भी साढ़े भ्रा भी आई गए और काफ़ी सारे लोग आए दिन और अज मेरे बच्चे भी हैं मेरे कन्ने इंजॉय करा मैं और बहुत खूबसूरत है बहुत भव्य और मेकअप ईवन आर्टिस्ट ईवन उनके जड़े कास्ट्यूम्स एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है बहुत अच्छी आखो कि ये जड़ा असें दशहरा बुराई पर अच्छाई दी जीत है और इसी सारे रली मिली है मिलान और कोई ऐसी इलेक्शंस अच्छे हुई है सब कुछ अच्छा है दशहरा भी अच्छा है। अपने जो सारे एक्स कॉर्पोरेटर अपने चोपड़ा साहब इंदे कन्नै आया और मी पता नहीं हा कि इत्थे डोगरी च रामायण होआ दी है और वार्ड नंबर इक्कै मेरी है लेकिन मैं जिसलै सुनेआ इस बारे कि 100 साल होई गए इत्थे रामायण होंदे पहले हिंदी च होंदी ही लेकिन पहली बारी मेरे ख्याल ड्रामेटिक क्लब जेह्ड़ा 53 च पहली बारी डोगरी च पूरी रामायण होई है और मैं पुछा था कि लिखी कौन है ओह केह्ड़े महान जेह्ड़े तुहाड़े जेह्ड़े कलाकार जिन्हें लिखी दी है वर्मा साहब एह आलर वर्मा साहब जिन्हें पूरी डोगरी च लिखी है और मैं बड़ी खुशी हुई है कि मैं दिक्खा था कि जम्मू दे जेह्ड़े लोग न हुन डोगरी च लिखा दे भी हैन और डोगरी च हुन लोग उसी एक्ट भी करा दे न एक बड़ी अच्छी आई थिंक शुरुआत है और अगर अस इ'यां करगे ये सारी बड़ी जरूरत है। तुम दिखो कश्मीरी होई गया पंजाबी होई गया और हिमाचली होई गया मैं दिखा कि वो लोग थोड़े प्रोग्रेस इ'यां करा दे न अगर अस जम्मू दे लोग भी कलाकार भी साढ़े भी इसी अगर आई थिंक शुरू करगन ते अपनी अस जेही सारी अपनी भाषा है डोगरी भाषा जो सारे बचपन दा बोला दे आं अस काफ़ी अपने आर्टिस्ट अग्गे ले सकने आं और आई थिंक काफ़ी जड़े लोग गाने भी गान एह्दे च गाने लिखन भी काफ़ी लोग आखदे कि डोगरी च लिखदे नहीं लोग हैन अगर डोगरी च लिखा गया है और इसी डोगरी च ओह्दे बाद एक्ट करा दे न एक्टिंग एक बड़ी अच्छी गल है बड़ी अच्छी शुरुआत है और जिन्हें भी इतने कलाकार न मैं एक कोई सीन दिखना चाहूँ और मेरी पूरी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा हो एक्टिंग करते उन्हें और मेरे तरफों दिल तो पूरी गहराई तरफों जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन की जिन्नी भी ऑर्गेनाइजेशन है सारे तरफों इन्हें बड़ी बड़ी बधाई हैं और भगवान करे ये अगे भी जरा प्रोग्राम है कभी मशहूर श्री सुरेश भाटी जी